जी के राज में, मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में कैसे कैसे घोटाले होते हैं, क्या क्या होता है, और ये सब कैसे आपस में बंदर बांट करते हैं, किसी को छुपा थोड़ी है, और ये सब आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे होता है, और धर्म के नाम पे इनकी दुकान, इनका धंधा बढ़िया तरीके से चल रहा है। सर, राम मंदिर की जो खरीदी गई थी उसमें घोटाला हो गया, कैसे देख रहे हो सर उसको? मुझे एक बात बताइए, इसके अलावा आपके पास में कोई मुद्दा नहीं? यहाँ हम किसान आंदोलन में हैं, किसानों की बात करो, राजनीति चल रही है, 2022 में चुनाव आने वाले हैं उसकी बात करो, रही इसकी बात जिसकी मंदिर के घोटाले की बात है, इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखो। ये आज कोई घोटाला नहीं हुआ है, क्या आप लोगों ने कभी जानने की, पूछने की कोशिश करी कि जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिस समय बाबरी मस्जिद वगैरह ढाई गई थी, विश्व हिंदू परिषद जो है बहुत मुखर होकर भाग ले रहा था, तब भी हजारों करोड़ रुपए का चंदा इसके लिए इकट्ठा किया गया था, कहाँ गया? आपने पूछा कभी? आप में से किसी ने नहीं पूछा, आपको पूछना चाहिए। हम पर तो आरोप लगते रहते नहीं, ठीक है, वो कह रहे हैं, वो उनका काम है कि आरोप लगते रहें, आप इस बात को पूछिए कि वो पैसा कहाँ गया। दूसरी बात, इससे कहीं बड़ा घोटाला था। और दूसरी, इसके अलावा जो बात है, इसमें असली पहलू ये है कि एक जमीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ की, 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की, तो जो सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, जो उसको टैक्स आना था, वो टैक्स कहाँ गया? क्या सरकार ने उसके खिलाफ कोई FIR की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? ED ने कोई उसके खिलाफ कार्रवाई की कि ये जो सब हुआ है इसमें सरकार को जो नुकसान हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली जो सरकार के खाते में पैसा आता तो वो किसके लिए काम आता? पब्लिक के लिए आता। हालांकि BJP राज में पब्लिक के लिए कोई काम नहीं आता, पर फिर भी सरकार का तो लॉस हुआ था। वो रेवेन्यू जो है वो कहाँ है, उसके विषय में कभी किसी ने बात नहीं की। तो बात इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो घोटाला है उसमें घोटाले होते रहते हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले BJP ने किए हैं, तो बड़ा छोटा सा है। असली बात ये, राम के नाम पे, धर्म के नाम पे तो धंधा चलता, आपको मालूम नहीं है? एक लाला रामदेव ने धर्म के नाम पे तो धंधा चला रहा, अपनी सारी जो नॉन तेल लकड़ी और पता नहीं क्या क्या बेच रहा है। सर, आपने बोला कि ED है, इनकम टैक्स है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर ईडी या इनकम टैक्स कार्रवाई करेगी? नहीं, लगता नहीं है। मैं जानता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, ना FIR होगी, ना कोई कार्रवाई होगी किसी भी तरह की। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उन्होंने कहा स्पष्ट कहा, हम नजर बनाए हुए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की न्यूज है, हम नजर बनाए हुए हैं। नजर तो जन काय काय पे बनाए हुए हैं, किसी में कुछ हुआ है? आप बताइए, किसी भी चीज में कुछ हुआ है? कहीं किसी चीज में कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए, रफेल में घोटाला जब सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें बरी कर देते, सुप्रीम कोर्ट उनकी जेब में रखी है, फिर क्या करोगे आप? कोई आज तक आपने देखा है कि CAG की रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट पेश हुई हो, उसमें रुपयों की जगह XYZ ऐसे लिखा हो? लेकिन रफेल के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो उसमें XYZ लिखा था, रुपए क्यों नहीं लिखते आप, उसकी कीमत क्यों नहीं लिखते? तो ये जो सारी चीजें हैं, BJP के राज में, मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में कैसे कैसे घोटाले होते हैं, क्या क्या होता है, और ये सब कैसे आपस में बंदर बांट करते हैं, किसी से छुपा थोड़ी है, और ये सब आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे होता है, और धर्म के नाम पे इनकी दुकान, इनका धंधा बढ़िया तरीके से चल रहा है। अयोध्या में राम के, भगवान राम के नाम पर एयरपोर्ट बन रहा है और वहाँ पर जमीनें ली जा रही है, वहाँ पर बहुत बड़ा किसान विरोध कर रहे हैं, क्या आप किसान उनका साथ देंगे? नहीं, देखिए, उनका साथ देना ना देना अलग बात है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ एक चीज़। आप उससे पहले देखें, जो ये सब कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, वो जजमेंट क्या था? वो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, करीब 1200-1300 पेज का, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को ये अधिकार दिया है कि वो कोई जमीन खरीदे और उसके बाद में ये सारी चीजें करे? कहीं दिया है? नहीं दिया है। मेरी बात सुनिए आप, तो जब अधिकार ही नहीं दिया गया और जो ट्रस्ट आप सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, जजमेंट के आधार पर ये सारा काम कर रहे हैं, आपका काम है कि जो जमीन थी वो जमीन आपको दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, जितने भी एकड़ थी, आप उस पर उसके हिसाब से जो कहा गया मंदिर बना लो, बात खत्म। लेकिन आप मंदिर न बना के आप जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये वाकई में लोगों को सोचना है कि तुम्हें धर्म के नाम पर कैसे मूर्ख बनाया जाता है, कैसे तुम्हारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब रही उसके बाद जो आप उसकी एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा है, मैंने भी एक न्यूज़ देखी, शायद NDTV में देखी है, एक गांव में जो ज़मीन की कीमत है वही कीमत दूसरे गांव के लोगों को क्यों नहीं दी जा रही? क्या सरकार इसका कोई वैलिड कारण बता सकती है? नहीं। दूसरा, एक तो वो कीमत नहीं दे रहे, दूसरा आप धमका रहे हो, तो कैसा तुम्हारा धर्म है
कैसे तुम्हारी आस्था है, किस रामराज की आप बात करते हो कि धर्म के नाम पर आप एयरपोर्ट के लिए जमीन लेने की बात कर रहे हो और लोगों को धमका रहे हो कि इतने में देनी है और देनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये कर देंगे। ये कौन सा काम है? मेरा प्रश्न ये था, वो किसान वहाँ के आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की भूमिका रहेगी? नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो आवाज़ उठाएंगे, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। हम सिंपल बात करें, लोगों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और जब आप रामराज की बात करते हो, आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से छोड़ो, हमें तो मालूम है कि कैसा राज होता है रामराज का और कैसा न्याय और अन्याय, सब पूरा मतलब पूरा इतिहास इस बात का गवाह है, सबको मालूम है, तो हमें बताने की जरूरत है। पर हम तो आपसे कह रहे हैं, भाई आप धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हो, राम के नाम पर राजनीति कर रहे हो, तो आप क्यों अन्याय कर रहे हो? एक गांव के लोगों को जो मुआवजा दे रहे हो, पता नहीं 1 करोड़ या कितने का मुआवजा दे रहे हो, वही मुआवजा उनको 30 लाख रुपए क्यों दे रहे हो, उनको आप ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे हो? तो उनकी बात जायज़ है और न केवल मैं बल्कि हर किसी को उठानी चाहिए, क्योंकि अन्याय के खिलाफ हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि उनको भी आप उतना ही दो मुआवजा जितना दूसरे गांव को दे रहे हो, उनके साथ क्यों कर रहे हो, धमका क्यों रहे हो? अगर वो जमीन नहीं देना चाह रहे तो आप कौन होते हैं जबरदस्ती ले लेंगे जमीन? अगर वो आप किसान आंदोलन के नेताओं को बुलाते हैं अपनी आवाज में आवाज बुलाने के लिए, क्या आप लोगों का जाना? नहीं, तो ये तो किसान आंदोलन के नेताओं को बुलाते हैं, तो उनकी किसान आंदोलन की जो संयुक्त संघर्ष समिति है वो इस बात का निर्णय करे। यहाँ तो जो भी कुछ हो रहा है किसान आंदोलन में, संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार ही हो रहा है, उसी के अनुरूप हो रहा है। अगर वो ये घोटाला हो गया तो उस पर रोने के लिए आप ही और सफाई आ गए। पर मैं आप इससे अलग बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा पैसा जो चंदा इकट्ठा किया गया था 1000 करोड़, आपने उस पर सवाल नहीं उठाया, वो कहाँ गया? तो आप समझ सकते हैं कि इनका तो काम है, इनका तो धंधा है, इतने पैसे चट्ट कर गए, ये छोटी मोटी चीज क्या है? इनसे आप न्याय की और एक सही बात की उम्मीद करो, वो हो नहीं सकता। आपको लगता है 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के पहले ये किसान आंदोलन मतलब खत्म होगा या बिल वापस होंगे? देखिए, मेरा मानना ये है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, और अब और भी ज्यादा जिस तरह से बीजेपी की आरएसएस की भद पिट चुकी है, मोदी योगी जी की पूरी तरह से मतलब थूथू हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, मैं ये मानता हूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने से पहले मोदी सरकार इस किसान बिल को वापस लेगी, जो तीनों किसान बिल हैं, ये मेरा मानना है। हो सकता है सीधे ले, पर मुझे इस बात में शक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मैटर पेंडिंग है, तो संभावना इस बात की मुझे लगती है कि ये सारे काम जो बिल खत्म होंगे, ये कानून खत्म होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार खत्म करवाएगी।